नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। तो आज की सबसे पहली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चय से जुड़े ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की लगाई आग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के एक दिन बाद ही आग का रूप ले लिया है। आयकर की गुरुवार से चल रही जांच में जिन 12 ठेकेदारों के ठिकानों का नाम आया है, उनमें से 2 कंपनियों के 3 ठेकेदार नल जल योजना के हिसाब नहीं बताने के कारण घिर गए हैं। उनके पास से 3 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं मिल पा रहा है। चिराग पासवान 7 निश्चय योजना पर लगातार हमलावार करते रहे हैं। चिराग पासवान अपने इंटरव्यू में साफ कह चुके हैं कि भाजपा के साथ वह सरकार बनाते तो जांच कर योजना के भ्रष्टाचार को खोलेंगे, और दोषी मिले तो सीएम नीतीश कुमार को भी जेल भेजेंगे। तो वहीं दूसरी ओर बिहार चुनाव में पड़ाव दूसरे चरण के मतदान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच गुरुवार को आयकर विभाग ने बिहार में सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ पटना, हिलसा, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और गया में छापेमारी की। टीम ने कारोबारी और सरकारी काम लेने वाले ठेकेदारों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस अभियान में करोड़ों की नकदी, गहने और संपत्ति भी जब्त की गई है। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अभ्यर्थी अब 2 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 नवंबर थी। भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ भेजने की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 24 नवंबर तक थी, अब अभ्यर्थी को इसे 24 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। कोरोना और चुनाव की वजह से परेशानियों का सामना करने के कारण अभ्यर्थी लगातार बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग से आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद आयोग के सचिव ने नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शुक्रवार को बड़े भाई तेज प्रताप यादव के विधानसभा क्षेत्र हसनपुर में सभा करने पहुंचे तो मुख्यमंत्री नीतीश पर हमला करते हुए यह भी बोला कि उन्होंने राज्य की 12 करोड़ जनता से विश्वासघात किया है। नीतीश जी हमें गालियां दे रहे हैं, हमारे परिवार को गालियां दे रहे हैं, लेकिन वह बड़े हैं, हम उनकी बात को आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। हमें तो माता पिता ने ऐसा संस्कार दिया है, बड़ों को आदर देने का, सम्मान देने का। भले ही उन्होंने 12 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात किया है, उन्होंने धोखा दिया है, हमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन एक बात सोचिए, जो आदमी 4 साल में 4 सरकार देगा वो विकास क्या करेगा? 1 साल इसके साथ तो 2 साल उसके साथ। ना कोई नीति है, ना कोई विचार है, ना ही सिद्धांत। उनका पहला और आखिरी प्यार जनता नहीं, कुर्सी है। तो चलिए अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 1018 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 2,15,964 तक पहुँच गई है। बिहार में फिलहाल 9,502 लोग कोरोना के एक्टिव मरीज। वहीं अगर बात करें राजधानी पटना में, तो कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 308 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 7 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरने वालों का आंकड़ा 1076 तक पहुंच गया है। दूसरे चरण के मतदान के लिए 54 विधानसभा सीटों पर 1 नवंबर से निषेधाज्ञा लागू हो जाएगी। इन इलाकों में सार्वजनिक स्थलों पर 1 साथ 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, नहीं तो पुलिस धारा 144 तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर सकती है। मुंगेर कांड के बाद अब चुनाव में सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। सूबे के सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों को आदेश जारी कर शांतिपूर्ण मतदान कराने को कहा गया है। खुफिया एजेंसी के साथ केंद्रीय पुलिस बल को भी दूसरे चरण के मतदान में लगाया गया है। 3 नवंबर को बख्तियारपुर, दीघा, बाकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर और फुलवार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है।
तेजस्वी यादव ने अपनी रैली में सुरक्षा को लेकर इंतजाम पर कहा कि इस पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन प्रशासन और आयोग को पूरा मामला देखना चाहिए। लोग हेलीकॉप्टर के नजदीक आ रहे हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। उन्होंने सेल्फी ले रहे युवक को हाथ से खींचकर हटाने के मामले में कहा कि अगर उसे नहीं हटाता तो दुर्घटना हो सकती थी। गोरिया कोठी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा एक युवक को हाथ खींचकर धक्का देने के बाद तेजस्वी यादव की लगातार पीट रही भद पर सफाई देने के लिए राजद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राजद प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि अगर उसे हटाया नहीं जाता तो दुर्घटना भी हो सकती थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के विरोधी दलों के नेता पाकिस्तान को ताकत देने का काम कर रहे हैं। वे देश की सुरक्षा से जुड़े काम पर सवाल उठाते हैं। जब हमने पुलवामा हमले में पाकिस्तान के हाथ होने की बात कही थी तो कांग्रेस सवाल उठा रही थी। अब पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में वहां के मंत्री ने बयान देकर वास्तविकता को सामने ला दिया है, तो कांग्रेसियों और अन्य विपक्षी दलों की बोलती बंद हो गई है। भागलपुर के पीरपैती में शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी ललन पासवान के पक्ष में चुनाव सभा को संबोधित कर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब पुलवामा में आतंकियों ने 40 जवानों की हत्या कर दी थी तो कांग्रेस के लोग हमारे नियत पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में उनकी सराहना की थी, लेकिन आज कांग्रेस का एक ही काम रह गया है, सरकार की उपलब्धियों पर संदेह और सवाल खड़े करना। फिर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि तीर चलाइए, लालटेन बुझाइए व कमल खिलाइए। अगली बड़ी खबर, लालू की बहू ऐश्वर्या भी सड़क पर उतरी, लोगों से ससुराल वालों को हराने की अपील की। बिहार विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान होने के बाद दूसरे चरण के लिए सभी ने ताकत झोंक दी है। इस चरण के बाद बिहार की दो तिहाई सीटों पर चुनाव पूरा होना है। लालू प्रसाद यादव की पुत्र वधु और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय भी शुक्रवार को सड़क पर उतरी और अपने ही ससुराल वालों के खिलाफ वोट मांगा। परसा विधानसभा सीट पर अपने पिता चंद्रिका राय के लिए वोट मांगने उतरी ऐश्वर्या ने अपने ऊपर हुए अन्याय को लेकर लोगों से वोट देने की अपील की। चंद्रिका राय परसा विधानसभा से जदयू की प्रत्याशी है। ऐश्वर्या राय की नाराजगी लालू परिवार के खिलाफ भी है, इसे लेकर वह लालू परिवार के सदस्यों को चुनाव में हराने की अपील कर रही है। अगली बड़ी खबर, बिहार में केंद्रीय चयन पर्षद ने फॉरेस्टर भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के उन उम्मीदवारों की सूची जारी की है जिनके आवेदन में फोटो व हस्ताक्षर जुड़ी खामियां पाई गई है। इन उम्मीदवारों ने या तो अपने फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया है या फिर अस्पष्ट है। अब CSBC ने ऐसे उम्मीदवारों को अपना आवेदन पत्र सुधारने का एक और मौका दिया है। उम्मीदवार 2 नवम्बर से 6 नवम्बर के बीच सही फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं। CSBC ने कहा है कि अपना रंगीन फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिंदी में अलग अलग से विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुरूप और पर्षद के वेबसाइट www.csbc.bihar.nic.in पर अपलोड करें। और साथ में ये भी निर्देश दिया गया कि आपकी फोटो 2 माह से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर हुए बवाल को लेकर गुरुवार को हुए उग्र प्रदर्शन के बाद बिहार चुनाव आयोग ने जिले के 2 बड़े अफसरों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की। बिहार निर्वाचन आयोग ने मुंगेर की पुलिस कप्तान लिपि सिंह और जिला अधिकारी राजेश मीणा को तत्काल हटाने का निर्देश दिया गया है। उन्हें हटा भी दिया गया है। इन्हें हटाने के बाद सरकार ने जिले में नए अफसरों को नियुक्त कर दिया है। IPS अफसर मानवजीत सिंह ढिल्लो को मुंगेर का नया SP बनाया गया है। वहीं IAS रचना पाटिल को मुंगेर जिला का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। चुनावी सभा कर रहे नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने बिहार में महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक दिया है। अब कुछ लोग गुमराह करने आ रहे हैं, ऐसे गुमराह करने वाले लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। खुद जेल जाने वाले पर पत्नी को गद्दी पर बिठा देना ही उनके लिए महिला सशक्तिकरण था। नीतीश कुमार ने कल खगड़िया और पर्वता में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, लेकिन इसी बिहार में क्या हाल था महिलाओं का। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा, कहा कि खुद अंदर गए तो पत्नी को गद्दी पर बिठा दिया। उन लोगों ने महिलाओं के लिए सिर्फ इतना ही काम किया है, इसके अलावा कोई तो काम किया ही नहीं।
हसनपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि वह अगर सीएम बने तो हसनपुर को जिला बनाएंगे। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव विकास लेकर काम करते हैं। महुआ में मेडिकल कॉलेज बनवाया है। हसनपुर की सड़क खराब है लेकिन जीतने के बाद तेज प्रताप बनाएंगे। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी सरकार बनी तो हसनपुर को जिला बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि वह लालू प्रसाद के बराबरी चुनाव सभा को संबोधित कर रहे हैं। उनके पिता भी 16-16 रैलियां कर चुके हैं, आज वह भी 16 रैली कर रहे हैं। दोनों ने बराबरी पर है लेकिन अभी तक रिकॉर्ड नहीं टूटा है। बिहार में नीतीश मोदी की सरकार का एक ही मकसद रह गया, चुनाव के समय जुमलेबाजी के साथ जनता को ठगने का, वादों का बाजार गर्म कर गरीबों को लूटने का। चाहे बेरोजगार को रोजगार देने का वादा हो या फिर नौजवान को सरकारी नौकरी का सपना दिखाने का, चुनाव जीतने के बाद एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया है। ये बातें गुरुवार को सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने मुजफ्फरपुर के सरैया में कही। रात को छपरा से मधुबनी जाने के क्रम में वे महागठबंधन के चुनाव कार्यालय में रुके थे। इसी दौरान पारो विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी अनुनय सिन्हा ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि एनडीए सरकार उन्हीं योजना पर कार्य करती है जिसमें उगाही की जाए। और अंत की सबसे बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के लिए सियासी घमासान चरम पर है। नेताओं और दलों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार अभियान में झोंक दिया है। नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इसी बीच महागठबंधन की ओर से सीएम कैंडिडेट राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके राज में प्रदेश में खूब घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार की फाइलें भी जल गई है। तेजस्वी ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि नीतीश के राज में 60 से ज़्यादा घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि सृजन घोटाला भी इसी के दौरान हुआ है। तेजस्वी ने कहा कि इन घोटाले को सच छिपाने के लिए फाइलें भी जला दी गई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में कमाई पढ़ाई दवाई के लिए क्या किया है, उनकी सरकार आई तो कमाई पढ़ाई दवाई और सिंचाई के लिए सुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में 15 वर्ष के शासन काल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा स्वास्थ्य और उद्योग चपेट करने के साथ साथ दो पीढ़ियों का वर्तमान और भविष्य भी बर्बाद कर दिया है। इसीलिए बेरोजगारी नौकरी कारखाने निवेश और पलायन पर कभी कुछ नहीं बोलते हैं। नल जल योजना पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब